नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय इंडिया सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है ये टेस्ट पेपर 31 है। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट पेपर 30 तक देख रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें क्रमवाइज देख लीजिए। TGT PGT आर्ट की वैकेंसी बहुत जल्द आने की संभावना है, परेशान बिल्कुल भी मत होइए। आपको केवल और केवल तैयारी पे ध्यान देना है। जिस दिन भर्ती आ जाएगी उस दिन से फिर आपकी तैयारी करने की जो चेष्टा है, जो जिज्ञासा है, और दोगुनी हो जाएगी। तो फिलहाल अगर आप पहले से ही इसके सिलेबस को पढ़ रखे हैं तो फिर मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। केवल और केवल आपको प्रैक्टिस ही करना होगा, और जब प्रैक्टिस पे ही आपको ध्यान देना होगा तब बहुत ही बेटर होगा, आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन लिया गया है, किस कलाकार को मनमौजी कलाकार कहा जाता है? ऑप्शंस हैं DP राय चौधरी, राम किंकर बैच, पिराजी सागरा या फिर MF हुसैन। राइट आंसर किसके साथ आएगा? तो मनमौजी कलाकार की जो उपमा प्राप्त है मकबूल फिदा हुसैन साहब को प्राप्त है। राइट आंसर D बन रहा है। 20 क्वेश्चंस लिए जाते हैं। प्रत्येक टेस्ट में कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता देना होता है। ईमानदारी के साथ बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। हालांकि आज का ये टेस्ट थोड़ा सा टफ है, इसलिए आप देख लीजिएगा कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो सर के ऊपर से भी निकल सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किसको आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक माना जाता है? आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक कौन है? ऑप्शंस हैं राम किंकर बैच, राम बी सुतार, MF हुसैन या फिर राघव कनेरिया। तो राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक जो है वो हैं राम किंकर बैच जी। राइट आंसर फर्स्ट बन जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा गया है, प्रसिद्ध चित्र जमीन का चित्रकार है, जमीन को किसने चित्रित किया है? ऑप्शंस हैं राम किंकर बैस, MF हुसैन, प्रदोष कुमार गुप्ता या फिर पिराजी सागरा। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो जमीन को चित्रित करने का जो श्रेय है वह कलाकारी मकबूल फिदा हुसैन ने निभाई है। राइट आंसर सी के साथ है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। एशिया के पहले नोबल पुरस्कार विजेता या फिर नोबल पुरस्कार से सम्मानित कलाकार। ऑप्शंस हैं MF हुसैन, राम किंकर बैच, DP राय चौधरी या फिर रवींद्रनाथ ठाकुर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो एशिया में सबसे पहले नोबल पुरस्कार से सम्मान अगर किसी को मिला है तो भारत जन्मे बंगाल प्रांत के रहने वाले रवींद्रनाथ ठाकुर जी हैं। राइट आंसर डी के साथ जाएगा। एक अच्छे श्रेष्ठ कवि भी हैं और एक अच्छे रचनाकार भी हैं, एक अच्छे चित्रकार भी हैं, ठीक है। तो राइट आंसर डी के साथ जाएगा, रवींद्रनाथ ठाकुर राइट आंसर बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में कहा गया है, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना रवींद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष की? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शांति निकेतन कला भवन स्थापना कब और किसने की थी? तो कब की गई, किसने, तो आपको पता हो गया रवींद्रनाथ टैगोर ने की है। तो कब की गई है? ऑप्शन से 1918 या फिर 1913। तो राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? 1919 में शांति निकेतन में जो बंगाल में स्थित है जो है कला भवन की स्थापना होती है। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात कर लेते हैं। 6 में पूछा गया है, 1925 ईस्वी की प्रसिद्ध पेंटिंग जादूगर के पेंटर हैं? ऑप्शंस हैं गगेंद्रनाथ ठाकुर, राम किंकर बैच, स्टेला कैमरिस या फिर DP राय चौधरी। तो जादूगर को किसने पेंटिंग की है? तो अगर बात करते हैं तो गगेंद्रनाथ ठाकुर की या गगेंद्रनाथ टैगोर की सबसे बढ़िया पेंटिंग है जादूगर। 1925 में ये पेंटिंग करते हैं और 17 सितंबर 1867 को इनका जन्म होता है गगेंद्रनाथ ठाकुर का। तो जादूगर के पेंटर कौन है? गगेंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 7,
पूछ लिया गया है, समरेंद्रनाथ गुप्ता का जन्म 1887 ईस्वी में कहाँ हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। समरेंद्रनाथ गुप्ता का जन्म 1887 ईस्वी में कहाँ पे होता है? ऑप्शन हैं कोलकाता, लखनऊ, गुजरात या फिर भोपाल। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? कोलकाता के साथ चला जाएगा। समरेंद्रनाथ गुप्ता का जन्म कोलकाता में 1887 ईस्वी में होता है, फर्स्ट राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या आठ कहा गया है, सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म 24 सितंबर 1907 को कहाँ पे होता है? ऑप्शन से लखनऊ, चिटगांव, भोपाल या फिर कोलकाता। तो सुधीर रंजन खास्तगीर का जो समय है या फिर इनका कार्यकाल है या फिर इनका जन्म है, वो मूल रूप से बांग्लादेश प्रांत में पड़ता है, चिटगांव। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। हालांकि पले बढ़े यहीं, शिक्षा ग्रहण की भारत में ही और सब काम यहीं से किया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी। प्रश्न संख्या 9 की बात कर लेते हैं। 9 में पूछा गया है, दिल्ली में दांडी मार्च की प्रतिमा किसने बनाई? ऑप्शन हैं डीपी राय चौधरी, शैलेंद्रनाथ डे, राम विश्वतार या फिर राम किंकर बैच। दिल्ली में दांडी मार्च की प्रतिमा मूल रूप से किसने बनाई है? डीपी राय चौधरी साहब ने। राइट आंसर डीपी राय चौधरी हो जाएंगे, फर्स्ट राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 10 बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन पूछा गया, यम और सावित्री किसकी प्रसिद्ध कृति है, यानी यम और सावित्री को किसने बनाया है? ऑप्शन से नंदलाल बोस, जितेंद्रनाथ मजूमदार, अवनींद्रनाथ ठाकुर या फिर डीपी राय चौधरी। राइट आंसर किसके साथ जाएंगे? तो यम और सावित्री को बनाने का श्रेय जो है वो नंदलाल बोस साहब को है। नंदलाल बोस साहब का जन्म मुंगेर बिहार में होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मुंगेर बिहार 3 दिसंबर 1882 को इनका जन्म होता है। अच्छा, बहुत से लोग जल्दबाजी में हैं, कह रहे हैं सर आप पढ़ा रहे हैं, ये हो रहा है, कुछ जगह तो हमें केवल और केवल कलाकार ही पढ़ाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है केवल कलाकार से ही क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं है बेटा, 125 प्रश्न बनते हैं, जो आपका सिलेबस डिजाइन है, जो आपको पढ़ाया गया है, उसे आप देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो बार बार क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, इनसे तो बनते ही बनते हैं, कलाकारों से भी क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन जो आपका प्रीवियस का सिलेबस है, जैसे भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र हों, सिंधु घाटी सभ्यता हो, जोगी महाराज, जनता बाग, बदामी, एलोरा, सित्तन वासल हो, भारतीय चित्रकला षडांग हो, ये सब क्वेश्चंस बार बार बनते हैं, इसलिए इसे आपको पढ़ाया जा रहा है। भारतीय लघु चित्रकला हो, जिसमें जयनपाल अभ्रंश आपने पढ़ा है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अभी आपको 3-4 चैप्टर और पढ़ने हैं, जैसे एक राजस्थानी शैली आएगी जिसमें बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुरी आ जाएगी, एक मुगल शैली आएगी अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उसके बाद पहाड़ी शैली आएगी, कांगड़ा, बसोली को हमें पढ़ना है, उसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कलाकार पे ही बार बार फोकस करेंगे, ठीक है? तो परेशान मत होइए, 3 महीने का टारगेट था, 3 महीने में पूरा का पूरा काम हो जाएगा, पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ाया भी जाएगा और पूरे सिलेबस की अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है? तो प्रश्न संख्या 10, यम और सावित्री प्रसिद्ध रचना किसकी है? नंदलाल बोस साहब की है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 11 में है, असित कुमार हलधर किस आर्ट कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल थे, प्रथम भारतीय प्रिंसिपल? ऑप्शन हैं इलाहाबाद, लखनऊ, बड़ौदा, मुंबई। तो असित कुमार हलधर जो है मूल रूप से लखनऊ आर्ट कॉलेज, याद रखना है, लखनऊ आर्ट कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल का गौरव प्राप्त हैं। राइट आंसर सी के साथ चला जा रहा है। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं, वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन हैं? ऑप्शन से असित कुमार हलधर, जितेंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ या फिर नंदलाल बोस। इसका राइट आंसर लगभग सभी लोग सही दिए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीवियस में हमने कई बार टेस्ट पेपरों में कराया है, कई बार हमने ऐसे ही बताया है। वास चित्रण के जन्मदाता अवनींद्रनाथ ठाकुर जी हैं। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, 13 में कहा गया है, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ पे होता है? ऑप्शन हैं बंगाल, किलीमन्नूर, केरला, बिहार या फिर लखनऊ। आप जानते हैं दक्षिण भारत के एक अच्छे चित्रकार राजा रवि वर्मा जी हैं, जिनसे लगभग 3-4 प्रश्न पक्के हो जाते हैं। तो एक किलीमन्नूर में इनका जन्म होता है, केरला प्रांत में पड़ता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 में पूछा गया है स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शंस हैं ओसी गांगुली, एनसी मेहता, डब्ल्यूजी आर्चर या फिर एमएस रंधवा। तो स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग को लिखने का श्रेय जो है एनसी मेहता के पास है। एनसी मेहता राइट आंसर बन जाएंगे। अच्छा, इसकी पीडीएफ फाइल जो है मूल रूप से व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में तीनों ग्रुपों में भेज दी जाएगी, आप परेशान मत होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। श्रीनगर का शालीमार बाग बनवाने का श्रेय किसके पास है। ऑप्शन हैं अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, आप जानते हैं जहांगीर ने ऐसा कारनामा करके दिखाया, श्रीनगर में शालीमार बाग को भी बनवाया था। राइट आंसर बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। 16 में पूछा गया है कल्याण सुंदरम मूर्ति जिसमें शिव और पार्वती के दाम्पत्य को दर्शाया गया है कहाँ स्थित है। तो कल्याण सुंदरम मूर्ति मूल रूप से किस गुफा में स्थित है। ऑप्शन से एलोरा, एलिफेंटा, अजंता या फिर सिगरिया। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, एलिफेंटा के साथ चला जाएगा। राइट आंसर सी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया है बीजापुर पहाड़ी में स्थित गुफाएं हैं। ऑप्शन से बादामी बाग, एलोरा, सित्तनवासल। तो बीजापुर पहाड़ी पे क्या स्थित है, बड़ा बादामी की गुफा स्थित है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर ले रहे हैं। 18 में पूछा गया है अजंता गुफाओं की खोज जॉन स्मिथ ने कब की थी। ऑप्शन हैं 1819, 1820, 1919, 1920। आप जानते हैं अजंता गुफाओं की खोज का श्रेय जो है जॉन स्मिथ के पास ही है, और इसको कब खोजा, तो 1819 में ये खोजते हैं। राइट आंसर फर्स्ट बन जा रहा है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहन जोदाड़ो की खोजकर्ता या फिर उत्खनन करता राखेल दास बनर्जी हैं, ये मोहन जोदाड़ो को कब खोजते हैं, वो सन बताना है आपको। ऑप्शन हैं 1921, 1922, 1927, 1931। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, 1921 में तो मूल रूप से हड़प्पा को खोजा जाता है, 1922 में जो है मोहन जोदाड़ो को खोज लिया जाता है। तो याद रखना है राइट आंसर सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। होशंगाबाद किस प्रदेश में स्थित है। सेम टू सेम क्वेश्चन छपा है। होशंगाबाद किस प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर मुंबई। आप जानते हैं होशंगाबाद मनोरंजन घोष इसके खोज करता है, 1922 में खोजते हैं, और मूल रूप से ये कहाँ का सोया हुआ प्रदेश, मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता है। राइट आंसर मध्य प्रदेश के साथ चला जाएगा, 1922 में इसका खोज हो जाता है मनोरंजन घोष के द्वारा, ठीक है। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टेस्ट पेपर 31 में शामिल थे। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेस्ट पेपर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।